नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार। 16 साल का बच्चा 8वीं पास नहीं तो संस्था प्रधान जिम्मेदार, उल्लंघन है RTE का। IFS मेस के प्रवेश पत्र जारी, परीक्षा 2 से 10 दिसंबर तक। CBSE ने जारी की विषयों के कॉम्बिनेशन की लिस्ट। NTA ने JEE मेन के एग्जाम सेंटर की दी जानकारी, 17 दिसंबर को मिलेंगे प्रवेश पत्र। विधिक सेवा सप्ताह, स्कूली विद्यार्थियों को दी शिक्षा के अधिकार की जानकारी। 8वीं के फॉर्म 26 और 5वीं के 30 नवंबर तक ऑनलाइन भर सकेंगे चित्तौड़गढ़। IT में 2027 तक 14 लाख नई नौकरियां पैदा होगी, स्टडी नई दिल्ली। व्यावसायिक परीक्षा 2019 के ऑनलाइन फॉर्म 26 तक अजमेर। PhD में प्रवेश आवेदन 23 नवंबर तक भरतपुर। पूरक परीक्षा के पेपर तैयार कराने में हुई देरी, 10 दिन कराना होगा इंतजार भरतपुर। कॉलेजों व स्कूलों का 80% स्टाफ चुनाव ड्यूटी में, स्टूडेंट्स का सिलेबस भी पूरा नहीं। MED परीक्षाएं कराने को लेकर छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को दिया ज्ञापन भरतपुर। लॉ कॉलेज में 240 सीटों के लिए आए करीब 500 आवेदन अजमेर। रेलवे अपने 10 अस्पतालों में खोलेगा मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली। DU के छात्र संघ अध्यक्ष अंकित ABBP से निलंबित नई दिल्ली। RJS भर्ती के लिए 26 से आवेदन, 197 पदों पर होगी भर्ती जोधपुर। बोर्ड की लापरवाही से 10वीं परीक्षा में मिले कम नंबर, पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ाए। शिक्षिका के सुने मकान का ताला तोड़, सोने चांदी के जेवर में 42,000 रुपये नकद पार अलवर। कॉलेज व्याख्याता EAFM के इंटरव्यू 26 से अजमेर। CBSE ने स्कॉलरशिप नवीनीकरण के लिए 15 दिसंबर तक मांगे ऑनलाइन आवेदन अजमेर। अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा आज स्वाईमाधोपुर। छात्रवृत्ति भुगतान के लिए संस्था प्रधान विद्यार्थियों की सूचना, 3 दिन में भिजवाएं स्वाईमाधोपुर। NMMS परीक्षा 2019 का परीक्षा केंद्र परिवर्तित स्वाईमाधोपुर। तो ये थे आज के प्रमुख शैक्षिक समाचार। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।